सब्सक्राइब कीजिए टेक्की सेंटर को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, उम्मीद है कि आपकी नवरात्रि और दशहरा काफ़ी अच्छे से बीती होगी। और हाल ही में जो फ्लिपकार्ट और अमेज़न में काफ़ी अच्छी अच्छी डील्स मिल रही थी, उसमें आपको अच्छे फ़ायदे मिले होंगे। लेकिन दोस्तों, आज हाल ही में शर्मा जी ने अपने फेसबुक पेज पे एक पोस्ट डाला, जिसमें उन्होंने ये मेंशन किया कि उनकी जो ये फ्लिपकार्ट से ख़रीदी हुई एक लैपटॉप है, एसर प्रेडेटर हीलियो 300 की, इसमें एक प्रॉब्लम आ रही कि उनकी जो लैपटॉप की डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड है वो शो नहीं हो रही है, उसके जगह पर जो इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कार्ड है वही शो हो रही है। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये पर्टिकुलर इशू के क्या क्या रीज़न हो सकते हैं और इसके क्या सोल्यूशन हो सकते हैं। इसके साथ मैं आपको बताने वाला हूँ कि डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड या इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कार्ड क्या होती है, इसकी क्या रिक्वायरमेंट होती है और आपको कौन सा इनमें से लेना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं टेक सेंटर। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि ग्राफिक्स कार्ड कितने टाइप के होते हैं। ग्राफिक्स कार्ड दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कार्ड, दूसरे होते हैं डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड। जो इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कार्ड होती है उसके लिए कोई भी अलग से रैम एलोकेट नहीं किया हुआ रहता है। आपका लैपटॉप या सिस्टम में जो भी रैम रहता है उसको यूज़ करके वो अपने काम को चला लेती है। लेकिन जो डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड होते हैं उनके लिए अलग से रैम एलोकेट किया हुआ रहता है और दोस्तों उस रैम को यूज़ करके अपना काम वो करती रहती है। अब दोस्तों, बात आती है कि ये दोनों अलग अलग टाइप्स के जो ग्राफिक्स कार्ड हैं ये कब यूज़ होते हैं। जब आप नॉर्मल यूजेज करते हो, कोई भी आपसे आपके सिस्टम में कुछ भी बेसिक यूजेज करते हो, यानी कि ब्राउजिंग करते हो, मूवीज़ देखते हो या 2D गेम्स खेलते हो, तब आपकी जो इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कार्ड रहती है, यानी कि जो बिल्ट इन ग्राफिक्स कार्ड रहती है, वो सफिशिएंट होती है आपके जो रिक्वायरमेंट है उनको फुलफ़िल करने के लिए। लेकिन अगर आप कुछ रिसोर्स इंटेंसिव टास्क करते हो, जैसे आप हाई एंड एडिटिंग करते हो या आप कुछ रिसोर्स इंटेंसिव या हाई ग्राफिक्स गेम खेलते हो, तब आपको ग्राफिक्स कार्ड की रिक्वायरमेंट पड़ती है। दोस्तों, अगर उस टाइम में अगर आपके पास ग्राफिक्स कार्ड नहीं हुआ और आपके पास केवल बिल्ट इन या इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कार्ड होता है, तब उस टाइम में आपकी जो रिक्वायरमेंट है या आपकी जो सिस्टम परफॉर्मेंस है वो काफ़ी स्लो डाउन हो जाएगी। इसलिए दोस्तों, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इन दोनों में से चूज़ कीजिए आपको कौन सा चाहिए। लेकिन दोस्तों, इसके साथ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कार्ड होती है इसकी जो प्राइस रहती है वो जो डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड के कंपेयर में काफ़ी कम रहती है। तो इसके चलते जब भी आप कोई भी लैपटॉप लेते हो जिसमें केवल इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कार्ड रहती है उसकी प्राइस काफ़ी कम रहती है, और डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड वाली लैपटॉप्स की जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा रहती है। लेकिन दोस्तों, अगर आप हैवी एडिटिंग नहीं करते हो, अगर आप हैवी गेम्स नहीं खेलते हो, तब जो इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कार्ड है वो बेस्ट है आपके लिए, क्योंकि उसमें आप वो आपकी जो नॉर्मल यूजेज है उसके लिए काफ़ी कमाल की है, और उसमें आपको हाई एंड या कुछ भी अलग से डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। दोस्तों, आइए बात करते हैं कि शर्मा जी की जो लैपटॉप है इसमें ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है। दोस्तों, इसके मेनली दो रीज़न हो सकते हैं। एक तो हो सकता है कि डील में काफ़ी सारे लोगों को ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स मिले जो कि फॉल्टी है, जिनमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है, और हो सकता है कि शर्मा जी को भी एक ऐसा लैपटॉप मिला जिसमें एक फॉल्टी लैपटॉप पीस आ गया उनके पास, और ये इसलिए उनका जो लैपटॉप है उसमें केवल इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कार्ड शो हो रही है और ये जो डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड है शो नहीं हो रही है। लेकिन इसके साथ दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि अगर उन्होंने अपने लैपटॉप में जो डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड के लिए ठीक से ड्राइवर है वो अच्छे से डाउनलोड नहीं किया है, या ठीक से ड्राइवर डाउनलोड नहीं करके उसको यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हो सकता है उनको इसमें कुछ ज़्यादा फ़ायदा ना मिले। तो दोस्तों, इसके लिए काफ़ी सारे अच्छे अच्छे ऐप्स है या सॉफ्टवेयर्स है जिससे आपको ये समझ में आ जाए कि आपके सिस्टम में कौन कौन से ड्राइवर्स है या कौन कौन से मिसिंग ड्राइवर्स है। आप ये रेगुलरली चेक करते रहिए कि आपके सिस्टम में कौन से ड्राइवर्स अपडेटेड है और किस किस को अपडेट करने की ज़रूरत है। दोस्तों, अगर आपके ड्राइवर्स अपडेटेड रहेंगे तो आपके सिस्टम जो है काफ़ी अच्छे से परफॉर्म करेगी और आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा आपके सिस्टम या लैपटॉप से। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। और दोस्तों, इसके साथ अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए ये लाल बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए। दोस्तों, मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही मेरा चैनल ग्रो हो सकता है। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।